तो ये बेबी सीटर वाली स्टोरी होने वाली है। तो यहाँ पे जो लानवांग जी है ना, वो पहले से शादीशुदा है, यानी वो उसका डिवोर्स हो चुका है। तो उसके पास दो बच्चे, लैन शुजी और लैन जिंगी, वो दो बच्चे हैं। और वो सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे हैं। तो जब भी वहाँ पे नैनी यानी नई नैनी आती है ना बेबी सीटर, तो वो लोग उनको कैसे भी करके उनको भगा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके उनके पापा उनके साथ रहे। और लानवांग जी का जो बिजनेस है ना, इसके कारण उसे उसके पास टाइम नहीं रहता है उनके साथ स्पेंड करने के लिए। बट वो अपना टाइम देने की हर बार कोशिश करता है हर बार। और वो ज़्यादा बिजी होने के कारण वो बहुत थक भी जाता है। उसे अकेले में अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, इसलिए वो थक जाता है। और वैसे ही आज भी जो वो नए बेबी सीटर का इंटरव्यू ले रहा है, और फिर वो बेबी सीटर कह रही है कि हाँ सर, ऑफ कोर्स हम आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप हमारे ही कंपनी से जो है ना पूछ भी सकते हैं। तो लानवांग से मैं सीरी लाता है, और लानवांग जी जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, और फिर लानवांग जी चला जाता है अपने काम पे। और यहाँ पे लैन शिजुई और लैन जिंगी जो दोनों जब नए बेबी सीटर को देखते हैं ना, उनके फेस पे एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। और लैन शिजुई रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है गगा ने मुझे मारा, गगा ने मुझे मारा, गगा ने मुझे मारा। तो नैनी आती है और कहते क्या हुआ है, तो वो कहता है गगा ने मुझे मारा। तो वो नैनी कहते बेटा ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें अपने भाई को मारना नहीं चाहिए। तो वो कहता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली। तो कहते बेटा मैं तुम्हारी नई नैनी हूँ। तो वो कहता है नहीं मुझे नैनी नहीं चाहिए, मुझे डैडी चाहिए, ऐसा कहता है। और वो नैनी कहती है बेटा तुम्हारे डैड अभी काम पे गए हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं। तो वो नैनी कहती है तुम लोगों को भूख लगी है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे कपकेक खाने हैं। तो जो मेड थी ना वो कहती है ठीक है, ऐसे कहती है। और मेड किचन में चली जाती है, जहाँ पे किचन में जो सर्वेंट थे ना उनको बताती है। तो ठीक है कहते हैं। और जो वो दोनों वहाँ पे कुछ शैतानी करने का प्लान करते हैं। और वो जो है ना एक अपने अपने रूम से एक मग्गे में पानी भर के लाते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं। और जब वो नैनी आती है, वो आती है क्योंकि वहाँ पे जो शिजुई था ना वो रोना स्टार्ट कर दिया था। शिजुई कह रहा था मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, ऐसे कह रहा था। और जैसे ही नैनी आती है ना, वैसे ही वो फिसल के गिर जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। और लैन शिजुई और लैन जिंगी ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी के सर्वेंट थे ना वो आते हैं उनकी मदद करने के लिए। और बाकी के सर्वेंट कहते फिर से उन्होंने फिर से यही किया, ऐसे कहते हैं। और उनकी ओर देखते हैं जहाँ पे वो दोनों पूरी तरह से अभी मासूम बन के वहाँ पे खड़े थे। और फिर जो उस घर का जो हेड सर्वेंट था ना, वो जो अपने मास्टर को कॉल करता है, यानी हमारे लानवांग जी को कॉल करता है और कहता है कि उन्होंने फिर से ऐसा किया। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है कि उसे जो उसने काम किया ना उसका पेमेंट कर दो, ऐसे कहता है। और फिर जो वो नैनी थी ना, उन बच्चों को और गुस्से से देखते रहते तुम लोगों ने ये सब किया है ना। तो वो कुछ नहीं कहते और वो नैनी उन पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तभी हेड सर्वेंट आते हैं और तुम्हारा काम हो चुका है, तुम उन्हें नहीं संभाल सकती हो, ऐसे कहते हैं। और उसे जो है ना उसका पेमेंट दे देते हैं, एक महीने का पूरा पेमेंट दे देते हैं। बट उसने कुछ दो तीन घंटे उसके साथ काम किया था, बट उसे पूरा फुल पेमेंट देने के बाद वो जो नैनी शांत हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और जो हेड जो थे ना वो कहते लैन शिजुई लैन जिंगी तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे डैड के पास टाइम नहीं रहता है। तो लैन शिजुई कहता है बट हम किसी और के साथ नहीं रहना चाहते, हम ऐसे ही ठीक है। बट जो हेड सर्वेंट थे वो कहते तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और लैन शिजुई कहते हाँ मुझे पता है, ऐसे कहते हैं। और लैन जिंगी कहता है अंकल क्या आप हमें नहीं संभाल सकते। तो जो हेड सर्वेंट था ना वो कहता है तुम्हें पता है ना मेरी उम्र होती जा रही है, मैं तुम दोनों के पीछे कैसे भागता फिरूंगा। तो लैन शिजुई कहता है नहीं आप तो अभी भी स्ट्रांग हो और आप अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो। तो लैन जिंगी कहता है हाँ देखिए आपके जो सफ़ेद सफ़ेद बाल है ना उसमें भी काले काले बाल छुपे हुए देख सकते हैं आप, और हम सबको दिखते हैं। और पीछे जो सर्वेंट खड़ी थी ना वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और जो वो थे ना वो कहते ठीक है जाओ तुम लोगों को कुछ खाना था ना वो किचन में रेडी हो चुका होगा। तो लैन शिजुई और लैन जिंगी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो है दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक लड़का 18 साल का जो रास्ते पे घूम रहा है और वो अपने सर के बालों को खींचते हुए कह रहा है क्या मेरे नसीब में कोई जॉब नहीं है, मैंने क्यों पढ़ाई छोड़ दी थी, क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ी, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे अपने करियर में आगे जाना चाहिए था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं क्यों किसी के वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। वो खुद को जो है ना कोस रहा है क्योंकि उसने जो है ना अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद जो है ना
जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, तो किस कहाँ पे भी जॉब नहीं मिलती है। उसने 12th क्लास को ही स्किप कर दिया, वो 12th क्लास को पढ़ा ही नहीं। इसके कारण जो है ना, वो बहुत जोर से फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने बालक खींचते हुए वहाँ पर बैठा है अभी, जो एक पार्क में बैठा है, और वो कह रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। और तभी उसके पॉकेट में जो फ़ोन था ना, वो बजता है और उधर से बोलता है, तुम कहाँ हो, तुम्हें पता नहीं क्या, घर आने का टाइम हो चुका है, तुम कहाँ पे घूम रहे हो लावारिसी की तरह। तो वो कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ जमशा, तुम कितना मुझे सताते हो हर टाइम, आचिन तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे। तो आचिन कहता है, हाँ इसलिए तुमने पढ़ाई छोड़ी है ना। तो वो कहता है, आचिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो आचिन कहता है, कैसे मिलेगी, तुमने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की और तुम्हारी उम्र भी नहीं है जॉब करने की। तो हमारा प्यारा सा जिन कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहता है। तो आचिन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, ऐसे कहता है और फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद जो है ना, विंग जो उस पार्क में जो छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, और वहाँ पे कुछ जो नैनीस थी ना, वो बात कर रही थी और वो कह रही थी कि तुम भी गई थी क्या उनके घर में, जो उनके बच्चों को संभालने के लिए। वो दूसरी कहती, हाँ मैं भी गई थी, बट उन लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो कितना ज़्यादा जो है ना परेशान करते हैं, मैं उनके साथ 2 दिन टिकी थी। बट दूसरी नानी कहती, नहीं मैं फर्स्ट डे में ही आ चुकी थी, बट कुछ भी हो जाए, बट वो अपना फुल पेमेंट कर देते पूरे 1 महीने का, और यही तो चाहिए ना हमें, पैसे से मतलब है। हाँ एक दिन जो उन लोगों ने मुझे सताया वो ज़्यादा बहुत कुछ किया, बट ठीक है पूरा फुल पेमेंट तो मिल गया ना, तो मैं इतना तो खरीद सकती हूँ। ऐसे वो नैनीस जो बातें कर रही थी, और विंग उनकी बातें सुनता है, और विंग उनके पास जाता है, एक्सक्यूज़ मी क्या आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप बेबी सिटिंग करते हो। तो वो जो नैनी थी ना, वो कहते हैं, हाँ हम बेबी सिटिंग करते हैं, तो आप जिस बच्चों के बारे में बात करें मुझे बता सकते हो क्या। तो वो कहते हैं, क्यों क्या तुम भी बेबी सिटिंग करना चाहते हो। तो विंग कहते हैं, नो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता था, आपने कहा कि आपको फुल पेमेंट मिली। तो वो कहते हैं, हाँ हमें फुल पेमेंट मिली, क्योंकि उनके बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो हर टाइम शैतानी करते रहते हैं, और उनके शैतानी से अगर हमें कुछ भी थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है ना, तो हमें फुल पेमेंट करके हमें जाने के लिए कहा जाता है। तो विंग कहते हैं, अच्छा ये मुझे बता सकती है आप ये मेंशन कहाँ पे है। तो वो नहीं कहते, कहीं नहीं हमारे गार्डन है ना, वहाँ से स्ट्रेट जाइए, वहाँ पे 3rd नंबर का जो मेंशन है बड़ा सा, वही है, और वहाँ पे लिखा है लैन वांगजी, जो उनका नाम है, उनका नाम लिखा हुआ है, और वो लैन कॉर्पोरेशन का एक CEO है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है थैंक यू, ऐसे कहता है। और विंग अपने मन में कहता है, हाँ इन लोगों ने कहा है तो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, अगर मुझे भी चोट लगेगी तो वो भी मुझे पूरी तरह से पैसे दे देगा, तो 1 महीने का मेरा हो जाएगा, ऐसे कहते हुए विंग उधर जल्दी जल्दी जाना स्टार्ट करता है। जाने के बाद वो पहुँच जाता है लैंड मेंशन के सामने, और वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वाह क्या रॉयल तरीके से इस मेंशन को डेकोरेट किया गया है, पेंटिंग वगैरह सब कुछ देखता है। और वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाके जो गार्ड था ना, वो गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पे जो है ना एक बेबी सिटिंग के काम करने के लिए आया हूँ, ऐसे कहता है। तो गार्ड्स कहते हैं, ठीक है सर, बट आपने अपॉइंटमेंट ली थी सर से। तो कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूँ, अगर उन्हें मेरे साथ कंफर्टेबल लगा तो मैं यहाँ पे जॉब करूँगा। और तो वो गार्ड कहते हैं, ठीक है सर हम सर से बात करके आपको बताते हैं। तो वहाँ से सर को कॉल किया जाता है, और फिर 5 मिनट के बाद विंग को अंदर बुलाया जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना, विंग पहले तो उस मेंशन को ही जो है ना मुंह फाड़ फाड़ के देख रहा था, कि क्योंकि ये इतना अच्छा प्यारा सा मेंशन था, क्योंकि अंदर से जो है ना अलग ही डेकोरेशन की गई थी वाइट और ब्लू कलर में, और इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, जो एंटिक पीसेस रखे हुए थे, पेंटिंग्स थी, जो पूरे जो है ना ओल्ड यानी पुराने काल की सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। और विंग ये सब देखता है, और विंग को ये सब जो है ना एक सपने की तरह लग रहा था, जैसे कि वो कोई सेट पे आया हो, क्योंकि उसने लास्ट टाइम जो है ना बचपन में ही ये सारी चीज़ें देखी थी, इसलिए उसे लग रहा है कि ये हाँ वही सेट होगा करके, यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग चल रही होगी इसलिए घर को जो है ना इतनी तरह से डेकोरेट किया गया है। बट तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, और जो वो था हेड सर, वो कहता है, हाँ बोलिए आपको किससे मिलना है। तो वो कहता है, मैं यहाँ पे बेबी सिटर के जॉब के लिए आया हूँ, तो क्या यहाँ पे जगह खाली है। तो वो सर्वेंट कहता है, हाँ ठीक है, बट आपने कभी ये काम किया है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैंने किया है, मैंने अपने जो है ना शीजे के बेबीज़ को संभाला है। तो वो कहता है, बट हमारे बेबीज़ आपने सुना ही होगा बहुत सारे रूमर से कि इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहता है, हाँ मैं संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। तो वो हेड सर्वेंट कहता है,
ठीक है आप सर से मिल लीजिए दिस वे, यहाँ पे चलिए कहता है, और फिर उसे लेके जाना स्टार्ट कर देते। फिर वहाँ पे स्टडी रूम में चले जाते हैं, और वहाँ पे विंग स्टडी रूम के अंदर एंटर करता है। तो विंग जो है ना उस टेबल पे देखता है कि एक इंसान जो अपने फेस पे जो है ना चश्मा लगा के कुछ फाइल पढ़ रहा है करके, जैसे जैसे वो पेज पलटा रहा है उसके जो फेस के छोटे छोटे एक्सप्रेशन वो देखता है। और तभी हेड सर्वेंट कहते हैं, मास्टर ये नया बेबी सीटर है जो आपसे मिलने आया है। तो ऊपर की ओर देखता है और विंग जो कंटिन्यूसली उसे देखता रहता है, क्या ये इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है, फर्स्ट टाइम इतने एंजेलिक फेस वाले इंसान को मैंने देखा है, इसके गुलाबी से लिप्स, उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशन, हाँ ये शायद से कोल्ड प्रिंस ही होगा। माय गॉड, इस मेंशन का एक कोल्ड प्रिंस, यू आर सो हैंडसम, इसे विंग अपने मन में कहता है। और तभी वो कहते हैं आइए बैठिए, जो है ना सर्वेंट कहते हैं, और विंग सामने जाके बैठ जाता है। और फिर लालमा जी कहता है, आपने आज से पहले किसी बच्चे को संभाला है? तो विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, और वो कहता है ठीक है तो आप मेरे बच्चों के साथ एक दिन टाइम स्पेंड करके देखिए, अगर आप इन बच्चों को संभालने में कंफर्टेबल हो तो हम जो है आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करनी होगी जिसके लिए आपको मेरे बच्चों का एक साल तक कंटिन्यूस ख्याल रखना होगा, और अगर आगे जाके आपने अच्छे से उनका ख्याल रखा तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा दूंगा। तो विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, तो लानवांग जी उनकी ओर देखता है और जो सर्वेंट से कहता है, अपने हेड सर्वेंट से कहता है कि जाओ उनको बुला के लाओ, ऐसे कहता है। तो हेड सर्वेंट ठीक है हाँ में सिर हिलाता है और वो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और विंग कंटिन्यूसली उसे देखना स्टार्ट कर देता है। हाँ आज से पहले उसने ऐसे इंसान को कभी नहीं देखा था, इतना ज़्यादा हैंडसम और कोल्ड प्रिंस, ओ माय गॉड ही इज लव दिस, पूरी तरह से वो बीइंग उसे कंटिन्यूसली देख रहा था। फिर जो है ना लानवांग जी को समझ में आता है कि हाँ उसे कोई घूर घूर के दिख रहा है। तभी लानवांग जी अपनी आंखें ऊपर करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, कुछ लगा है मेरे फेस पे जो आप इतनी देर से मुझे देखी जा रहे हो? तो विंग जो नर्वस हो जाता है और विंग इधर उधर अपना हाथ को करते हुए कहते नहीं नहीं सर नहीं सर, और पीछे से फिर दो बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं डैड डैड क्या हुआ है डैड, ऐसे कहते हुए आ रहे थे। और वो अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद लानवांग जी उनको कहता है बिहेव, तो वो कहते हैं डैड यस डैड आपने हमें बुलाया, तो वो कहते हैं ये तुम्हारे न्यू बेबी सीटर है, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जो है ना वो दोनों बच्चे बेबी सीटर की ओर देखते हैं और वो कहते हैं डैड हर टाइम तो लेडीज़, तो डैड कहते हैं जो है ना लानवांग जी कहते हैं हाँ इस बार ये तुम्हारे बेबी सीटर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार कोई शैतानी ना करो। तो वो कहते हैं हाँ डैड हम कभी शैतानी नहीं करते। तो जो सर्वेंट था ना वो पीछे से हंसता है और लानवांग जी कहते हैं ठीक है जाओ इनके साथ, ऐसे कहता है। और विंग और लानवांग जी आ जाते हैं, तो लानवांग यानी विंग और जो लैंशु जी लैंजी के बाहर आते हैं, और फिर विंग कहता है मुझे तुम लोगों का रूम देखना है, ऐसे कहता है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे कहता है, और बाद में रूम की ओर जाने लगते हैं। और लैंशु जी और लैंजी एक प्लान बना रहे थे, तो हम आगे जाके देखेंगे वो दोनों क्या प्लान बनाते हैं, और जो है विंग क्या उन दोनों को संभाल पाएगा, तो हम आगे जाके देखेंगे।